नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, पिछले हफ्ते हमने चिड़ियाघर की सैर नामक इकाई यहाँ पर पढ़ी थी और आपने कई सारे नए प्राणियों का परिचय भी प्राप्त किया होगा। आज हम ऐसी ही एक इकाई यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और नाम तो आपको पता ही होगा, आपने किताब में देखा ही है। हाँ, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 6, हंसी का पिटारा। अब इस इकाई का शीर्षक यह है कि जो हमें कुछ सूचित करता है कि भाई यहाँ पर आप और हम सब मिलकर हंसने वाले हैं और आपको यहाँ पर हंसाने के लिए मेरे साथ मेरे एक साथी भी उपस्थित है और इनका नाम है तरुण भाई और ये जूनागढ़ की कन्या शाला नंबर 4 के प्रधानाचार्य है। तो इनसे विनती करते हैं कि आज हमें कुछ नए चुटकुले सुनाए और हंसाए भी। तरुण भाई जी नमस्कार। नमस्कार। सब बच्चे हंसने के लिए तैयार हैं और पाठ्यपुस्तक में भी हंसी का पिटारा अच्छा लगता है, तो आज हंसने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, कुछ सीखने वाले हैं, कुछ नया भी सीखने वाले हैं और हंसते हंसते सीखने वाले हैं। आपके जो पाठ्यपुस्तक में जो चुटकुले दिए हुए हैं, पहले उनसे शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए ये चुटकुला। बेटा देखना गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। देखा बाल दोस्तों, ऐसे चुटकुले आपने कई देखे होंगे। इसमें आपने देखा कि मम्मी ने क्या सूचना दी थी। मम्मी ने सूचना दी थी कि अगर गाय गेहूं खाने आ जाए तो उसको दूर करना, लेकिन क्या हुआ, आ गया गधा, तो उसने कुछ भी नहीं किया। जो सूचना उसको मिली थी उसी के तहत उसने काम किया। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है, याद कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। हितेश भाई, हाँ, ये जो चुटकुले एकम है यहाँ पे, उसमें ये जो सब बाल दोस्त है हमारे यहाँ पे, वो भी कई चुटकुले जानते हैं, जानते होंगे, चुटकुले सुनाते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमारे जो दोस्त लोग होते हैं उसको सबको बिठा के हम एक दूसरे को चुटकुले सुनाते थे। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया लगता था। मेरे साथ भी कई ऐसे अनुभव हुए हैं जो कुछ कहना चाहता हूँ। बोले बोले। एक बार मैंने क्लास में पूछा, मध्य प्रदेश का पाटनगर कहाँ है? सुना है आपने, मध्य प्रदेश का पाटनगर कहाँ है? तो हमारा एक बहुत ही तेज बच्चा था, वो बोला कि सर मुझे आता है। बोला बोलो, मध्य प्रदेश का पाटनगर कहाँ है? तो बोला मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा। तो ये तो ये भी चुटकुला हो गया। चुटकुला हो गया। ऐसे आपकी क्लास में भी ऐसी कई घटनाएं होगी जो अगर आप दूसरों को कहते हैं तो बहुत हंसी आती है। तो इसी तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो आप चुन सकते हैं, दूसरों को कह सकते हैं। तरुण भाई जी, यहाँ पर आपने अपने स्कूल का ही एक किस्सा सुनाया जी, कि भाई बच्चे भी किस प्रकार के उत्तर देते हैं और वह उत्तर एक चुटकुला बन जाता है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है जी जी, कि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में भी इकाई दी गई है हंसी का पिटारा जी, और आज यहाँ से आप बच्चों को चुटकुले सुनाने वाले हैं, तो इससे शिक्षा का कौन सा काम होने वाला है या बच्चों को हमें चुटकुले क्यों पढ़ाने चाहिए, ये जरा आप बताएंगे। पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी। ये जो चुटकुले होते हैं हंसी के लिए होते हैं और इसका महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि हमें आनंद लेना है। आनंद लेना है, ये इसका बहुत महत्व है। एक दो उदाहरण देता हूँ। मैंने एक बच्चे से पूछा कि
अगर बिना दांत वाला कुत्ता आपको काट ले, बिना दांत वाला कुत्ता, आप सोचिए अगर कुत्ता बिना दांत वाला होगा तो क्या होगा। तो मैंने पूछा कि बिना दांत वाला कुत्ता अगर तुझे काट लेता है तो क्या होता है, तो वो क्या बोलता है, गुदगुदी होती है सर। बहुत अच्छा, वो आप कल्पना कीजिए बिना दांत वाला कुत्ता काट लेगा तो गुदगुदी होती है। मैं ऐसा ही बच्चों से बात कर रहा था तो मैंने पूछा कि ये ईश्वर ने हमें पेट क्यों दिया है, पेट क्यों दिया। तो ये एक छोटा सा था बच्चा, वो बोला सर पेट भरने के लिए दिया, यानी कि अरे मुझे तो ये पता ही नहीं था क्या ये पेट भरने के लिए तो होता है। लेकिन दूसरा बच्चा बोला ईश्वर ने हमें ये पेट दिया है ये पैंट पहनने के लिए, पैंट पहनने के लिए। बहुत को तो हितेश भाई, हाँ जी, पाठ्य पुस्तक में चुटकुले क्यों आए? हाँ यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इसमें भाषा का भी अध्ययन कर सकते हैं। हाँ जी, भाषा जो हमारी है हिंदी भाषा, तो उसके अर्थ, एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ऐसे भी कई सारे शब्द होते हैं तो उनका हम अर्थ समझ सकते हैं। और मुख्य कार्य जो है भाषा का वो अभिव्यक्ति है। हाँ, ये बच्चे सब सुन रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं जब छोटा था, हाँ जी, तो मैं भी प्रार्थना सम्मेलन में और दूसरे लोगों को, तीसरे लोगों को, सबको चुटकुले सुना रहा था। हाँ जी, तो इससे क्या हुआ कि मेरी अभिव्यक्ति हुई, तो आपका अभिव्यक्ति का कौशल विकसित हुआ जी, और आप खुलकर बोलने लगे जी। हाँ जी, ऐसे चुटकुले ढूंढने से और दूसरों को कहने से हमारी जो अभिव्यक्ति है, जो हमारा भाषा कौशल है, वो बढ़ता है। इसीलिए ये चुटकुले के माध्यम से भाषा का काम होता है। हाँ जी, ऐसे ही एक है, मैं इंग्लिश हिंदी पढ़ाता था तो मैंने पूछ लिया कि मैं एक आपको सबको एक वाक्य देता हूँ, उसका मुझे अंग्रेजी करना है। तो बच्चे बोले कि दीजिए कौन सा वाक्य है। तो मैंने उस उन सब बच्चे को एक वाक्य दिया, वत्सल ने ये काम किया और फिर करता ही रहा। तो इसका मुझे अंग्रेजी अनुवाद कर दीजिए। तो एक बच्चा खड़ा हो गया और बोला कि मुझे इसका अंग्रेजी अनुवाद आता है लेकिन आप ये फिर से बोलिए। तो मैंने बोला वत्सल ने ये काम किया फिर करता ही रहा। तो बोले ये तो एकदम सरल है, बोलो। तो बोला वत्सल डन दिस वर्क एंड देन डन डना डन डन डना डन डन। बहुत बढ़िया। तो ये तो हम चुटकुले के हिसाब से कह रहे हैं लेकिन इस तरह भाषांतर नहीं होता, लेकिन इससे हमें भाषा भी सीखने को मिलती है। एक बार मैं सब बच्चे से बात कर रहा था तो मैंने बोला कि अब तो लोग चांद पर रहने वाले हैं तो सोचो क्या होगा। तो एक बच्चा तो ऐसे ही चिकुड़ गया कि अरे बाप रे, लोग चांद पर रहने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने बोला क्यों दिक्कत क्या हो जाएगी? तो कि सर वहाँ जब लोग रहने जाएंगे तो वहाँ से जो कचरा डालेंगे वो तो सब हमारे पर गिरेगा। तो अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चुटकुले दिए हैं उसमें से दूसरा चुटकुला सुनिए, ये देखिए। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? मूर्ख। ओके, कंटिन्यू। देखा आपने, बहुत बढ़िया था ना। इसी तरह आप इंटरनेट पे या टीवी पे भी चुटकुले सुनते होंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण और ले लेता हूँ। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक भिक्षुक आ गया था, भिक्षा मांग रहा था। तो हमारी जो पड़ोसन थी उनके पास भिक्षा मांगने गया। तो बोले भैया भिक्षा दीजिए। तो भाभी जी बोली अरे कल का बना हुआ खाना चलेगा? तो भिक्षुक तो बोला हाँ जी भाभी जी चलेगा, कल का बना हुआ भी चलेगा। अच्छा, तो कल मैं और हितेश भाई बैठे थे तो इतनी देर में कुलदीप सिंह आ गए और वो मुझे बोलने लगे कि तरुण भाई आप ऐनक के बगैर बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोला
कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है ऐनक के बगैर दिखने की, लेकिन अगर मैं ऐनक नहीं पहनता हूँ ना तो तू मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। हम दो दोस्त थे तो बगीचे में घूम रहे थे, उसमें से हमारे दोस्त हितेश भाई ने कहा कि देख तरुण, इस पेड़ में 2 साल तक आम नहीं आएंगे। ऐसा? 2 साल तक। 2 साल तक इस पेड़ में 2 साल तक आम नहीं आएंगे। तो मैंने बोला कौन से इस पेड़ में, इस पेड़ की बात कर रहे हो? हाँ, इस पेड़ में 2 साल तक आम नहीं आएंगे। मैंने देखा और कहा इस पेड़ में कभी भी आम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो बोले क्यों? अरे ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ पर आम कहाँ से लगेंगे। इतिश भाई, एक दिन मैं एक क्लासरूम में गया तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि खड़े हो जा, मैं तुझे आग गणित का क्वेश्चन पूछूंगा, तो पूछो। तो मैंने बोला आपके पापा के पास 10,000 रुपये हैं, उसमें से 1 महीने का किराए का 3,000 देते हैं, दूध का 2,000 देते हैं, तो आपके पापा के पास कितना बचता है? कितना बचता? तो वो बोला 10,000। कैसे बचते होंगे 10,000? मुझे भी ऐसा ही हुआ, ये 10,000 कैसे है? मैंने फिर से पूछा आपके पापा के पास 10,000 रुपये है, किराने वाले को 3,000 दिया, दूध वाले को 2,000 दिया, तो आपके पापा के पास कितने बच्चे हैं? फिर बोलता है 10,000। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, 10,000 कैसे बचेंगे? नहीं बच सकते। तो वो तो ऐसे ही बोला। मैंने बोला कि तुझे क्या गणित नहीं आती, तू गणित नहीं जानता? वो बोला कि सर मैं तो गणित जानता हूं लेकिन आप मेरे पापा को नहीं जानते। ऐसा? वो किसी को देंगे ही नहीं। देंगे नहीं। तरुण भाई, यहाँ पर आपने बहुत मजेदार चुटकुले बच्चों को सुनाए जी, और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि चुटकुले के जरिए हम भाषा की अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से कर सकते, यानी कि अभिव्यक्ति का जो कौशल है वह अच्छे से विकसित कर सकते हैं जी। और आपके उदाहरण से हम ये भी सीख रहे हैं कि आप जब छोटे थे यानी कि बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तब से आपने अभी कहा कि प्रार्थना सम्मेलन में भी आप भाग लेते थे जी, यानी कि जब प्रार्थना सभा लगती थी या आपके कक्ष में भी आप जब बोलने के लिए कोई बोलता था तो आप खड़े हो जाते थे जी। इसलिए आप अच्छी तरह से आज हिंदी में प्रत्यायन कर सकते हैं जी। तो बच्चों, हमें यहाँ पर तरुण भाई से यही सीखना है। आज हम इकाई ये पढ़ रहे हैं हंसी के पिटारे, तरुण भाई आपको बहुत सारे अच्छे और मज़ेदार चुटकुले सुना भी रहे और हम हंस भी रहे, मैं भी यहाँ पर हंस रहा हूँ, लेकिन हमें मूलतः ये सीखना है कि हम किस तरह से भाषा की प्रस्तुति करें ताकि हम जो कहना चाहते हैं वह सामने वाला अच्छे से समझ सके। और ये तरुण भाई बखूबी कर सकते हैं, है ना। हम तरुण भाई से विनती करते हैं कि हमें और भी अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाइए। तरुण भाई, चुटकुले हमारे जीवन में रोज होते हैं। मेरा लड़का वत्सल है उसका नाम, एक दिन मेरे पास आया और मुझे बोल रहा है अपने घर का पंखा दिखाता है, पंखा, और बोलता है पापा ये पंखा ऐसे ऐसे क्यों घूमता है ऐसे? मैंने बोला ये जो हमारा घर का पंखा है वो हमने किस्तों पे लिया है और अभी किस्त भरी नहीं है, किस्त बाकी है, इसलिए ऐसे ऐसे घूमता है। भाषा के जो शब्द होते हैं उनसे भी कई चुटकुले बन जाते हैं। बहुत अच्छा। तो ऐसे भी चुटकुले सुनाइए आप छात्रों को जी। एक बहन थी तो उसने अपने पड़ोसी को फोन किया कि आप जल्दी घर पहुंचिए, आपके घर में तालाब का पानी घुस गया है। घर में तालाब का पानी घुस गया है। तो वो फोन में ही जवाब देती है कि तालाब का पानी घर में कैसे घुसेगा, चाबी तो मेरे पास है। घर बंद है तो पानी नहीं घुस सकता। हाँ, चाबी तो मेरे पास है। एक बार तो बहुत ही अजीब घटना हुई। हमारे डॉक्टर साहब है और मेरे पड़ोस में रहते हैं आपके डॉक्टर साहब, तो वो मनोचिकित्सक है। मनोचिकित्सक। उन्होंने ये बताया था, एक बार एक दर्दी उसके पास आया और बोला कि डॉक्टर साहब बहुत परेशानी है। तो क्या परेशानी है बोलिए, हम मनोचिकित्सक हैं, आपकी परेशानी यूं दूर कर देंगे। तो दर्दी बोला डॉक्टर साहब
मैं जब रात को सोता हूँ ना अपने पलंग पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई है। ऐसा? पलंग के नीचे कोई सोता है? हाँ, मैं जब पलंग पे सोता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पलंग के नीचे कोई है। मैं देखता रहता हूँ, सोता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सोता रहता हूँ, और मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती। ये सब क्या हो रहा है? तो डॉक्टर साहब बोले, अच्छा एक काम कीजिए, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो मैं कर दूंगा, आपको 3 बार यहाँ आना होगा, 1 बार आने का 1500 रुपया लगेगा, कुल खर्च 4500 रुपया लगेगा। वो बोला, खर्च तो थोड़ा ज़्यादा है, मैं सोच के बताता हूँ। तो वो तो चला गया, वापिस आया? हाँ, वो 7-8 दिन के बाद, 7-8 दिन तो आया ही नहीं, आया ही नहीं। वो 7-8 दिन के बाद डॉक्टर साहब टहलने गए थे ऐसा ऐसा, तो वहाँ वो दर्दी मिल गया उसको, तो डॉक्टर साहब पहचान गए, अच्छा ये वही है जो 7 दिन पहले आया था, जिसके पलंग के नीचे कोई है, ऐसा देखकर वो पूरी रात सो नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम वही हो ना जो 7 दिन पहले मेरे पास आए थे और आपने बोला था कि आपके पलंग के नीचे कोई है ऐसा आपको लगता है? तो बोला, हाँ ओ मैं हूँ। अच्छा, तो फिर क्यों नहीं आए? मैं तो आपकी राह देख रहा था, ये 7 दिन हो गए आप नहीं आए। तो सर, वो डॉक्टर साहब, आपने तो 1500 लेके 4500 रुपया खर्च कहा आपने, तो वो मेरी समस्या वो तो दूसरे दिन ही समाप्त तो हो गई। कैसे? तो डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो गए, चकित होंगे ना कि ऐसी समस्या दूसरे दिन कैसे समाप्त हो गई। तो उसने कहा कि मैं अब पलंग पर सोता ही नहीं हूं, मैं नीचे सो जाता हूं सर। जमीन पर सो जाता है? जमीन पर। अब तो समस्या क्या थी? तो पलंग के नीचे कोई है। हाँ, और अब जमीन पर सो जाता है, तो समस्या ही गायब। एक बार मैं डॉक्टर साहब के साथ गया था, डॉक्टर साहब को फल लेने थे, तो डॉक्टर साहब और मैं पूछने गए। डॉक्टर साहब ने कहा वो फल वाले से, ये भैया सेब कैसे दिए? तो वो सेब वाला बोला, सर जी 100 रुपये के 3 सेब है। तो डॉक्टर साहब बोले, कुछ कम कीजिए। तो वो सेब वाला भी बहुत होशियार था, तो बोले 2 ले लो, कम किए। लेकिन फल कम, सेब कम किए, पैसे कम नहीं किए। तो ये भी उसकी चतुराई है ना, ये समझिए आप, उसकी जो भाषा की चतुराई है ये वाली है, ये कि कम कीजिए लेकिन क्या कम करना है पता नहीं, और उसने फल ही कम कर दिए। जी, मेरे पास एक आदमी आ गया और बोला 500 रुपये उधार दे दीजिए। मैंने बोला, मैं आपको पहचानता भी नहीं और आप मुझे 500 रुपये मांग रहे हैं, मैं क्यों दूं? अरे साहब, वही तो समस्या है, जो लोग पहचानते हैं वो देते नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तरुण भाई हमें बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले और मज़ेदार चुटकुले सुना रहे हैं और हम मज़ा ले भी रहे हैं, है ना? और आपकी किताब में भी ऐसे चुटकुले दिए हैं और आपने पढ़े भी होंगे, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आइए, आपको पढ़ने तो है लेकिन उन चुटकुलों को वीडियो स्वरूप में भी देखते हैं। तो देखिए तीसरा चुटकुला। तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? तो आपने देखा ना तीसरा चुटकुला, और आपको समझ भी आया होगा कि सेठ ने नौकर को एक सूचना दी थी कि भाई अगर कुछ भी काम करना हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पूछकर ही तुम्हें काम करना है, यानी कि तुम्हें निर्णय नहीं करना है। और ये काम तो ऐसा हो गया, नौकर सेठ को पूछने के लिए आया और बिल्ली वहाँ पर सारा दूध पी गई। तो ये भी एक चुटकुला है, और ऐसे तो कई सारे चुटकुले आप सुनते हो, है ना? तो ऐसा और चुटकुला भी आपकी किताब में दिया गया है। आइए अब चौथे चुटकुले का वीडियो भी देख लेते हैं। जनाब, कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? यहां पर आपने देखा कि एक व्यक्ति एक दुकान में बिस्कुट लेने के लिए जाता है, और कौन से बिस्कुट मांगता है?
हाँ कुत्ते के लिए बिस्कुट चाहिए, और व्यापारी क्या उत्तर देता है? हाँ क्या उत्तर देता है? तुम्हें यहां खाने हैं या घर ले जाने हैं? यानी कि लेने जाता है व्यक्ति कुत्ते के बिस्किट लेने जाता है, और वह उससे ही व्यापारी पूछ लेता है। तो ये भी एक चुटकुला हो गया, और वहाँ पर तो अगर उसकी सही समझ हो तो ये उसका अपमान भी हुआ। तो ऐसे कई सारे चुटकुले आज आप यहाँ पर सुन रहे हैं और सुनेंगे, और साथ ही साथ ये चुटकुलों का संग्रह किस प्रकार से होता है ये भी हम तरुण भाई से जानने वाले हैं। तो आइए अब तरुण भाई से कहते हैं कि हमें और कुछ चुटकुले सुनाए। देखिए आपके जैसे बच्चों ने ही ये चुटकुलों का संग्रह बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि चुटकुलों को वर्तमान पत्र में से या सामयिक में से काट के इस हमारी जो नोन पोती है उसमें आप चिपका सकते हैं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह आप चुटकुलों का संग्रह बना सकते हैं, चुटकुले दूसरों को कह सकते हैं, हंसा सकते हैं, खुद भी हंस सकते हैं। आपकी जो हिंदी है वो इससे बहुत बढ़िया होगी। यहाँ गुजराती भाषा में जो चुटकुले हैं वो चिपकाए हुए हैं। आप कोई भी भाषा में चुटकुले का संग्रह कर सकते हैं और उसको चिपका सकते हैं और एक दूसरे को कह सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो इसी तरह आनंद करते रहिए और अपनी भाषा को समृद्ध करते रहिए। तो आइए चुटकुलों को वीडियो स्वरूप में भी देखते हैं। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। सोनू का सिर फट गया। यह कैसे हुआ? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जरा ऊंचा बोलो। माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मैं तो पढ़ने में ही इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। आप कहाँ जा रहे हो? मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, मजा आया ना? यहाँ तरुण भाई ने हमें बहुत ही मजेदार चुटकुले सुनाए, और साथ ही साथ इस इकाई के चुटकुले भी आपने देख लिए और उनको समझने का भी प्रयत्न किया कि जब भी हम हमारी बात की प्रस्तुति करते हैं तो सामने वाले को हम क्या कहना चाहते हैं और हमें किस प्रकार से कहना चाहिए, और ये तरुण भाई ने हमें बखूबी यहाँ पर समझाया है। तो आज आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, और साथ ही साथ इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय में आपको कुछ समानार्थी और विलोम शब्द भी दिए गए हैं, उनकी सही जोड़ आपको बनानी भी है और उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो ये आप खुद करेंगे और अपने अभिभावक अपने माता पिता को जरूर बताएंगे। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर हम तरुण भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छे और मज़ेदार चुटकुले सुनाए। तो मिलेंगे दोबारा, धन्यवाद।